मैं हूं विजय राठौर, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया 117 विधानसभा दातागंज के जो क्षेत्र नगर पंचायत उसाबा पड़ती है, उसाबा में पहुंची है और यहां से जानेंगे कि जनता क्या चाहती है। जनता के जान मन की बात जानने के लिए एक बार व्यापारी वर्ग को भी खंगाला जाए कि व्यापारी वर्ग क्या चाहता है। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम तरह के व्यापारी लोग हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि 14 फरवरी को यहाँ मतदान होना है और क्या सोचते हैं व्यापारी वर्ग। 5 वर्ष यहाँ पे भाजपा का शासन रहा, भैया क्या किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो बनेगी बीजेपी की, लेकिन अधिकारी इस सरकार में ज़्यादा बेहोश रहा, अधिकारी पे कोई आंकुश नहीं रहा, अधिकारी बेलगाम रहा, खुलेआम निस्पत मांग रहा। मैं एक बारसाना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डीएम आवास पे गया तो उसने 5,000 रुपये मांगे, किसी का नाम नहीं खोला और वैसाई मुझे पकड़ा दिया। तो मैंने उसने मुझसे पूछा कि क्या करोगे बारसाना का, तो मैंने कहा वो एक किस्त रह गई आने को, तो उसने कहा 2.5 लाख का मामला है, कितना पैसा मुझे दोगे। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं वो आवास में घोटाला हुआ है, आवास की बात कर रहे हैं? आवास की भी घोटाला की बात कर रहा हूँ, और अधिकारी ए से लेके जेड तक अधिकारी कोई भी कसौटी पे सरकार से तालमेल मिला के काम नहीं किया अधिकारियों ने। तो क्या चाहते हैं? अभी 14 फरवरी को मतदान होना है, बदलाव चाहते हैं या वही सरकार रखेंगे? सरकार तो बीजेपी की आएगी और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूं और सरकार तो कोई दोहरा ही नहीं है। जी बिल्कुल। और भैया हमारे साथ हैं, क्या यहां पे बदलाव लाएंगे या सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार हर समय बदलनी चाहिए और हर 5 साल में बदलती है और बदलती रहेगी। 5 वर्ष से भाजपा का शासन है, क्या लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? 5 साल के पहले भी बदलाव हुआ, फिर बदलाव हुआ और आगे फिर भी बदलाव होगा। अच्छा, 117 विधानसभा में कौन कौन से कार्य हुए वो बता दीजिए आप। हमें तो कोई विकास, केवल एक ही डिग्री कॉलेज बन रहा है, बाकी तो और कोई हमें कार्य नहीं दिखाई। यहाँ तो 3,000 करोड़ का काम किया है बब्बू, विधायक रहे हैं राजीव कुमार सिंह, क्या लगता है? हमें तो कहीं देखने को नहीं दिखाई देगा। जी भैया 3,000 करोड़, अरे एक पैसा कम ना है बाबू है। क्यों ना देख ले चलेगा आप क्षेत्र में, देखा यहाँ टाउन एरिया में देखा क्या हुआ है। अच्छा, किस किस तरह का? 3,000 करोड़ में HPCL और तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ आई हैं। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बस आई है, पर आई है फैक्ट्रियाँ आई हैं। एथवाल फैक्ट्री का निर्माण किया, सजनी प्लांट है और डिग्री कॉलेज है उसावा में, है एथवाल है, अग्निशमन केंद्र है, इंटर कॉलेज है गौतला में, इंटर कॉलेज है, 4 इंटर कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज। अच्छा, ये आपकी नगर पंचायत उसाबा में इस समय चेयरमैन कौन है? उसाबा में धीरेंद्र गुप्ता। अच्छा, किस किस तरह के कार्य हुए हैं यहाँ पे? धीरेंद्र गुप्ता ने कार्य तो ठीक किए हैं, ठीक है, पर हमें धीरेंद्र गुप्ता से कोई लेन देन नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, ना कोई संबंध है। राजीव कुमार बब्बू भैया ने काम किया है, उनके बारे में बात करें। नगर पंचायत उसाबा है, उसाबा में किस किस तरह के कार्य हुए हैं? उसावा में जितना बड़ा विकास बीजेपी सरकार ने किया है वो आज 70 साल पहले से किसी सरकार ने आज तक करके नहीं दिखाया है। इस क्षेत्र में, इस थाने में यहाँ की जनता अन्य सरकारों में रोडों पर मारी जाती थी और वो अपना दुखड़ा थाने में कहने जाते थे, तो वही नेता वहाँ बैठकर उनका दुखड़ा सुनने की जगह उन्हें हवालात में बंद कर दिया जाता था। मेरा नाम अभय सिंह यादव है। यहाँ शत्रु और दानव इतने बढ़ गए थे, अत्याचार घोर इतना बढ़ रहा था कि हर मोड़ पर हर शख्स के साथ अन्याय होने लगा था। और जब से बीजेपी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, हर आदमी सुरक्षित है, हर आदमी आज डर भय मुक्त है और कोई किसी से घबरा नहीं रहा है। मेरे ऊपर इतने बड़े, मैं यादव हूँ, अकेला हूँ अपने दोनों गांव के अंदर, लेकिन हमसे लोग कहते हैं कि सपा सरकार आ गई तो इतने इतने मोटे चूतर कर दिए जाएंगे, बसने के लिए जगह ढूंढ लेना अगर सपा सरकार आ गई तो। बताइए ये क्या सपा सरकार वालों का महत्व है, ये कहने का अधिकार है कि आप कहीं बसने के लिए जगह ढूंढ लें? मेरा बाप जो है सपा में मर गया, लेकिन मैंने दामन थामा है तो सिर्फ रामा दल का थामा है। और तीनों लोग इकट्ठे हो जाओ दानवो, तुमको इस पृथ्वी से मिटना है, मैं वादा करता हूँ। 2022 अभी सरकार बनाएंगे तो 14 फरवरी को मतदान करेंगे, मतदान करेंगे, चुन चुन कर मतदान फूल के लिए करेंगे। और मेरा कहना बहुत बढ़िया जी दादा, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बीजेपी की। अच्छा, क्यों बीजेपी ने ऐसा क्या देखा? गुंडा राज ना है तो बहुत खत्म, राज्यों खत्म। बदायूं जिले में 6 की 6 सीटें दूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, जी
जी माता जी, क्या लग रहा है कौन सी सरकार ला रही है? समय तो फिर मोदी की है भाई जी। क्यों क्यों का सबको भलो होए, हमारो भलो ना होए, सबको भलो होए, और मोदी की आ भाई बस। ये बताया जाता है महंगाई बहुत बढ़ गई मोदी सरकार में। तो कहूँ महंगाई है, कहूँ लूटन मारे, कहूँ तमंचा है, कहूँ बंदूक है, कहूँ औरत के लिए और आदमी के लिए इज्जत है 12 बजे कहूँ औरत आदमी लिख जाए, कोई डर तो ना है। बहुत बढ़िया। आप क्या मान रही है, बीजेपी में शांति है, सुरक्षा है? बहुत शांति है, महिलाएं सुरक्षित, सब शांति है, सब शांति है। बहुत बढ़िया।